टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। भारत में पूरी तरह तालाबंदी है, सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, मगर इस लॉकडाउन 2 के बुरे वक्त को भी लोग अपने ढंग से बेहतर तरीके से बिता रहे हैं। लॉकडाउन 2 के दौरान बुलंदशहर के खुर्जा में एक शादी की गई। इस शादी में दूल्हा तो था मगर दुल्हन नहीं थी। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, तो आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन के हालात हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर आम बैठक पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण समारोह का आयोजन मुश्किल है। ऐसे में शादी से लेकर अन्य अनुष्ठान भी रस्म अदायगी बंद कर रह गए हैं। लॉकडाउन के दौरान बुलंदशहर के खुर्जा पंजाबियन मोहल्ले में बुधवार को किया गया एक ऑनलाइन निकाह चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वकील दो गवाहों के बीच में सारे मजलिस आम के सामने 3.5 तोला चांदी सिक्का राय जुल वक्त आपकी निकाह में दी जा रही है, क्या आपने कबूल किया? जी मैंने कबूल किया। लॉकडाउन के कारण बारात ले जाना संभव था तो प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए खुर्जा निवासी आरिफ ने अपना निकाह अपने घर पर ही वीडियो कॉल के माध्यम से कराया है। दरअसल आरिफ की बारात गौतम बुद्ध नगर के जारचा जानी थी, मगर कोरोना को हराने की जंग में पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 के आह्वान का आरिफ ने दिल से स्वागत करते हुए ऑनलाइन शादी कर डाली। आरिफ ने घर में निकाह पढ़ाने वाले काजी के अलावा घर के ही दो लोगों को शादी का गवाह बनाया और जारचा में बैठी दुल्हन से निकाह कबूल कर लिया। जिसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से मोबाइल के जरिए हुए निकाह में दो अलग अलग शहरों में बैठे वर वधू शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। पूरे देश को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश दिए हैं उसका पालन करते हुए मैंने और मेरे परिवार ने ऑनलाइन निकाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि घर में रहेगा इंडिया तभी तो बचेगा इंडिया। भारत में आमतौर पर शादियों के लिए आयोजन करने और अपने सगे संबंधियों को बुलाने का प्रचलन है। लोग शादियों में धूमधड़ाका करते नजर आते हैं और बाराती बाजे गाजे के साथ बेटी वाले की चौखट तक बारात लेकर पहुंचते हैं। मगर भारत जिस बुरे दौर से गुजर रहा है उस बीच आरिफ ने समझदारी का परिचय देते हुए अपने घर में रहकर ही बिना बारात ले जाए शादी के बंधन में बंधना बेहतर समझा। ये मोहल्ला पंजाबियान पुलिस चौकी सुभाष रोड पर हुई है और जो ये बीमारी वबा चल रही है, ये लॉकडाउन हो रहे हैं, इसी के बिना पर कहीं जाना आना नहीं हो पा रहे हैं। इसी वजह से सब अपनी सहायता करने से अपने वहाँ जहाँ से शादी होने वाले थे उन सब से मालूमात करने के बाद जो है अपने घर में ही यहीं पे अपने अपनी जगह पर रह के इन चीज़ को किया गया है। क्या निकाह होती है इसकी, कैसे किया जाता है? इनका प्रक्रिया यही है कि जब लड़का लड़की राजी होते हैं और बातचीत यानी फ़ोन पर बात होने के बाद जो कि आमना सामना होती है, अब वो नहीं हो के आमना सामना बल्कि यह है कि वीडियो कॉलिंग बात करके या फोन ऑनलाइन बात करने के बाद वह फ़ोन पर भी निकाह हो सकते हैं। इसी बिना पर यह निकाह यहाँ पर किया गया है मोहल्ला पंजाबियन में। और एक वकील दो गवाहों के बीच में, क्योंकि एक वकील दो गवाहों के होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर निकाह भी नहीं होती है। और जो सुन्नत तरीका है जो हमने अभी खुतबा दी है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि चार आदमी में अगर कोई पढ़ना भी नहीं जानता है तो चार आदमी के सामने निकाह कबूल करवा ली जाए वकील और गवाह बनने के बाद फिर भी निकाह हो जाती है, तो ये ही ज़रूरत है। ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है। आपने फोन पर 3 तलाक देने के तो कई मामले सुने होंगे, मगर आज की तकनीक के इस जमाने में आरिफ का ऑनलाइन निकाह करना सराहनीय है। जिस तरह आरिफ की तरफ से जागरूक नागरिक होने का परिचय दिया गया है,
अगर हर भारतीय ऐसे ही सामाजिक दूरी का लिहाज करे तो यकीन जानिए भारत कोरोना से बहुत जल्द जंग जीत लेगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।